हाय गाइस, एक नई वीडियो के साथ हम लोग यार वापस आ गए हैं। आज हम ओनरशिप एक्सपीरियंस शूट करने वाले हैं। ये 2023 ह्यूंडई वर्ना का और ये टर्बो वेरिएंट है, 1.5 टर्बो GDI मोटर। इसमें गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन आती है इस वाले मोटर में, तो आप लोग देख सकते हैं जैसा यार जो इसका लुक है। मुझे पर्सनली ये रेयर से बहुत अच्छी लगती है और इस गाड़ी में सबसे बड़ा पैसा इस चीज़ का है, द 1.5 टर्बो। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है यार, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा गाड़ी सफा साफ होगी, शाम तक वापस गंदी हो ही जानी है। तो यार वेलकम करते हैं इस गाड़ी के ओनर का, भव्य भाई का। हाय अर्जुन। हाय भैया, कैसे आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। तो थोड़ा सा यार अपना इंट्रोडक्शन दे दो और ये गाड़ी आपने कब ली थी और आप क्या करते हो? मेरा बिजनेस है। okay. और बाकी ये मैंने अभी अप्रैल में निकाली थी, 6 अप्रैल को। ओके। और अभी हमने 3000 अराउंड 300 समथिंग ड्राइव कर ली है। अच्छा, 3000 अराउंड आप ड्राइव कर चुके हो? ओके। और बाकी गाड़ी मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम इसको देखा, फर्स्ट लुक देखा, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इसको लेनी है, फिर मैंने और कोई ऑप्शन देखा ही नहीं इसके बाद। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग इसके बारे में बोलते हैं कि इसका थोड़ा सा पॉलरॉइड डिजाइन है, या तो सबको बहुत पसंद आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। मैं उनमें से जिनको आ गया देखा। हाँ, exactly. थोड़ा सा यूनिक और फ्यूचरिस्टिक सा लुक था, मेरे को अच्छा लगा। स्पेशली जो इसके कनेक्टेड DRL है फ्रंट में, काफी ये इस सेगमेंट में अभी तक किसी में भी किसी भी नहीं है। आप ये और बताइए, इससे इसको लेने से पहले आपने कौन कौन से प्रोडक्ट टेस्ट किए थे? क्योंकि जैसे ये सेडान से, ये फुल साइज सेडान हो गई हमारी, इस सेगमेंट में हमारी वर्टस, स्लाविया और होंडा सिटी भी आती है। हाँ जी। तो आपने यही क्यों प्रेफर करी उन चीज़ों के? मेरे पास देखो स्लाविया का भी ऑप्शन था, स्लाविया का मेरे को थोड़ा सा ना इंटीरियर सही नहीं लगा था। उसका जो डैशबोर्ड है काफी ग्लॉसी फिनिश का, शाइनी सा है, और उसका जो ओडोमीटर है वो भी काफी टिपिकल से कलर्स है उसमें, येलो कलर का। इसके अंदर की जो फील है वो जेट ब्लैक फील है, काफी मुझे क्लासी सा लगा, कूल सा लगा, और प्लस इसकी जो फिनिश है, इसकी लेंथ उसकी मुझे ज्यादा लगी। हुँ, तो उसके एरोडायनामिक्स मेरे को काफी अच्छे लगे, तो फिर मेरे को यही डिसाइड किया कि यही लेनी है मेरे को। तो आपके अकॉर्डिंग जो स्लाविया थी वो आपको इतनी सटल नहीं लगी, वो आपको थोड़ी सी माचो? हाँ, वो बहुत चमकीला चमकीला सा डैशबोर्ड था, समझ गया इस वजह से। तो यार आपका क्या रिव्यू है, मतलब इसके आपको पॉजिटिव्स क्या क्या लगे जब से आपने लिया? आपको ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए इसको। हाँ, मतलब पेट्रोल में यार इसका 1.5 टर्बो मतलब आपको बिल्कुल ही डीजल वाली फील दे रहा है, टर्बो नॉक भी इसमें आता है। ओके। और पिकअप बहुत सही है इसमें, लाइक अराउंड मैंने हाईएस्ट 140-145 चलाई है, लेकिन बिल्कुल पता नहीं लगता, लाइक बिल्कुल बहुत स्मूथ है, और ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद भी अगर मैं ब्रेक मारता हूँ तो इमीडिएट स्टॉप होता है। इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है और इसका एडास 2 लेवल फीचर्स काफी अच्छा दिया। अच्छा, आपने जैसे अभी तक इसमें कंपनी एडास दे रही है, आपने अभी तक वो यूज करके देखा पर्सनली? थोड़ा बहुत मैंने यूज किया, जैसे इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर आप इसमें, इवन ये भी है कि अगर सामने आप गाड़ी चला रहे हो तो अगर कोलाइड होने वाला, कोलिजन वार्निंग देखिए, अपना ऑटोमेटिक ब्रेकिंग जो हो जाती है। तो यार मूविंग फॉरवर्ड जो सबसे बड़ा सवाल होता है इस सेगमेंट की, एक पेट्रोल कार लेते हुए कितना देती है? तो आपको अभी तक क्या एवरेज मिल रहा है इस गाड़ी यार? एवरेज मैं सही बताऊं, हाईवे पे ये अराउंड दे देती है, लाइक 20-20.5 का एवरेज इसने बहुत आराम से मेरे को दे दिया है। ओके। और काफी रफ ड्राइव करी है मैंने तो मेरे को देती है। सिटी में 12-15 का एवरेज दे देती है आराम से। तो अच्छा, सिटी में 12 से लेके 15 के बीच में दे देती है, और हाईवे पे ऑलमोस्ट 20 का एवरेज, ऑलमोस्ट 20 का, मतलब इवन मेरे को चलाते चलाते 21-21.5 का भी दिखाया था, लेकिन वो बाद में मैंने थोड़ा सा ड्राइविंग बेकार कर दी थी तो 20 पे आ गया था। अच्छा, तो आपका इस चीज पे क्या ख्याल है? लोग आजकल 20-21 लाख रुपए में SUVs ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हाँ। इस रेंज में बहुत सारी SUVs आ रही है, XUV700 हो गया, उसका एक बीच का मॉडल आ जाएगा, स्कॉर्पियो N हो गया, MG हो गया, क्रेटा सेल्टोस तो आ ही रही है। हाँ। आपने ये गाड़ी छोड़ के मतलब उनको क्यों नहीं प्रेफर किया? क्योंकि SUV ज्यादातर लोगों की पसंद है और ऊपर से ग्राउंड क्लियरेंस इससे तो एटलीस्ट ज्यादा है उसकी। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है, बट इसका जो एक इंटीरियर फील है ना, लाइक इसका जो कैबिन फील है वो मैंने सिर्फ इसी वजह से लिया था, क्योंकि उनमें ये वाली कैबिन फील नहीं आ सकती जो इसमें बैठ के आती है। कैबिन फील प्लस रोड से जो चुपक के चलती है ना हाईवे पे, वो SUV नहीं चलने की। हाँ यार, ये तो पर्सनली मेरा भी फीडबैक ऐसा ही है। मैं अब इससे पहले होंडा सिटी यू करता था, और जो ड्राइविंग फील एक सेडान का है वो कभी भी एक SUV नहीं कर सकती। उसका हाईवे पे ना जो प्लेन ड्राइव्स होती हैं उसमें बहुत बढ़िया चलती है यार। तो इस कलर को लेने का क्या वो था, क्योंकि हम जैसा देख पा रहे हैं सुबह ही साफ हुई है और फिर से गंदगी यार कैमरा में इतना गंदगी का पता नहीं चलता, बट मैं ऐसे नेकेड आई से देख पा रहा हूं तो थोड़ी सी गंदी हो रही है। हाँ। तो आपने इसमें व्हाइट कलर या फिर कोई और सा कलर? मेरे पास व्हाइट एक ऑलरेडी मेरे पास, तो मेरे को थोड़ा ग्रे कलर, टाइटन ग्रे कलर था। और बेसिकली सही बताऊं, मेरठ की पहली गाड़ी है जो मैंने निकाली थी। अच्छा, ये डिस्प्ले गाड़ी थी। ये कहीं वही वाली गाड़ी तो नहीं थी जो समुद्र ह्यूंडई? हाँ, ये वो, ये फर्स्ट कार है ये मेरठ की। तो मेरे ख्याल से आपसे पहले इस गाड़ी में मैं बैठ गया था जब ये फर्स्ट डे पर आई थी, तो हाँ, मैं उसके लॉन्च इवेंट पर गया था, तो मैं इस गाड़ी में बैठ के देखा था। तो ये फर्स्ट कार थी, मैं गया, डिस्प्ले गाड़ी थी, 6 महीने की बुकिंग बता रहे थे। Okay. मैंने उनसे लड़ झगड़ का कहा मुझे यही गाड़ी दो, तो ये फर्स्ट गाड़ी मैंने निकाली है। अच्छा, तो आपकी मेरठ के अंदर फर्स्ट कार है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है टर्बो गाड़ी की तो अभी डिलीवरी भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। मेरे एक फ्रेंड ने भी वरना 1.5 टर्बो बुक करी है और उसको 6 महीने का वेटिंग है। ये डिस्प्ले गाड़ी उठा लाया था मैं, शोरूम पे गाड़ी नहीं थी उसके बाद।
यार, तो आपको Hyundai वालों ने थोड़ी एक्सेसरीज चिपकाई या फिर उन्होंने बस दे दी ऑन रोड कॉस्ट पे? उन्होंने ऑन रोड दे दी, ना कोई बार्गेनिंग करी ना कुछ करा। मैं तो और डिस्काउंट्स मांग रहा था, कह रहे गाड़ी दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक्सेसरीज चिपका रहे थे, मैंने मना कर दिया मैं खुद करा लूं। तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने दे दी। मैंने बोला तो यार थोड़ा सा प्रेशर डाला, मिल गई मेरे को। यार एक्चुअली एज ऑफ नाउ ना Hyundai बहुत बदनाम हो रखा है। लोग जैसे क्रेटा वगैरह ले रहे हैं, स्पेशली उसके बेस मॉडल, पहले तो वो 10-10 महीने तक देते नहीं है, और अगर पहले देंगे तो बोलेंगे कम से कम 1-1.5 लाख रुपए की एक्सेसरीज। नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ पर्सनली। मेरे को तो बल्कि इन्होंने पूरा क्या कहते हैं, पूरा डिस्प्ले गाड़ी दे दी, बट एक्सेसरीज का कोई प्रेशर नहीं डाला, काफी अच्छा सा था। तो मतलब आपका Hyundai से बाइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। तो अभी तक इसकी कोई सर्विसिंग कराई है आपने Hyundai पे? हां, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है इसकी 1000 किलोमीटर के बाद। तो उस पे तो मेरे ख्याल से बेसिक वॉशिंग ही हुई होगी। वॉशिंग हुई थी, मतलब थोड़ा सा चेकअप वेकअप हो जाता है, बस इतना वही होता है। और अभी तक आपको कार से लेके कोई दिक्कत आई हो? इसमें नेगेटिव्स आपको क्या लगता है? क्या यार नेगेटिव्स? मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैंने ले ली, मैं नेगेटिव्स नहीं बता रहा हूं, बट मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा है इसका फ्रॉम ड्राइविंग। और मेरे को पेट्रोल में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी पावरफुल फील होगा। स्पोर्ट्स मोड बहुत कूल है। और हर चीज मेरे को म्यूजिक सिस्टम से बहुत खुश हूँ मैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा, बोस का म्यूजिक सिस्टम, बोस का म्यूजिक सिस्टम आता है वो काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा है। और उसमें सब ऊपर इतना अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको इसमें एज सच अभी तक कोई नेगेटिव नहीं? नेगेटिव वैसे ड्राइविंग में तो कुछ नहीं है, बट हाँ स्टेयरिंग जैसे था, मैं अगर कंपेयर करूँ वर्टस के, उसका स्टेयरिंग ज्यादा अच्छा था, बट ठीक है, मतलब ओवरऑल ठीक है। जेट ब्लैक फील में मतलब इतना कुछ मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ बुराई। आपको अभी तक इसके ग्राउंड क्लीयरेंस से लेके कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, जैसे ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा सा वर्टस और स्लाविया के कंपैरिजन में नीचे लग रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे नीचे नहीं है यार। मतलब मैं ऐसे, मुझे एमएम में तो नहीं पता है, बट ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें 165 mm आता है कंपनी से, और जो वर्टस और स्लाविया में आते हैं वो अपना जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज है उसमें 179 mm आता है सब में। अच्छा, बट तो उसमें उतना है, ठीक है। मतलब इसका आप उसका बिल्ड देखोगे ना, पीछे से काफी उठी हुई फील दी हुई है। तो इसमें जैसे इसमें जो डिजाइन है वो काफी एरोडायनामिक कर रखा है। आगे से देखो आप, थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ लगेगी और ऊपर की तरफ ये उठती चली जाती है, तो बहुत एरोडायनामिक बनाई है कंपनी ने। यार मैं बताऊं, साइड व्यू और पीछे से व्यू बहुत अच्छा है। अब इसका मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ। तो यार ये इसका इंटीरियर है, पूरा का पूरा ब्लैक है, और ये थोड़े से रेड एक्सेंट है। ये टर्बो वाले वेरिएंट में आता है, टर्बो में है बस। और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं और हीटेड सीट्स। अच्छा, वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें आ रही है? वेंटिलेटेड सीट्स, उसमें हीटिंग सब फंक्शन भी है वेंटिलेटेड सीट्स। इसमें सिर्फ बाकी गाड़ियां स्लाविया और उसमें सिर्फ कूलिंग है, इसमें हीटिंग हीटेड सीट्स भी दी हुई है। ओके, और उसमें भी आप लेवल सेट कर सकते हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये जो बटन्स है ना, ये वाले आप देख रहे हो, ये सीट्स के हैं। समझ गया, फ्रंट की टू सीट्स। समझ गया मैं, तो ये भी है। अभी स्टार्ट करके दिखा देंगे, अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यार ये इसका इंटीरियर है, ऑल ब्लैक इंटीरियर है। जो रूफ पे लेगा वो थोड़ा सा बेज कलर में है। बाकी मैं आपको पीछे थोड़ा सा स्पेस दिखा देता हूँ। यार वरना की एक बहुत बड़ी बुराई रहती थी 2022 और उसके प्री मॉडल्स की, कि उसमें स्पेस का बहुत प्रॉब्लम था। यहाँ मैं स्पेस अपना चेक करता हूँ, हाथ से देख सकते हैं यार, लगभग इतना आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा। यही एक नापने का तरीका होता है जैसे सारे रिव्यूअर्स नापते हैं। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 feet है, और मेरे को देख लो यार, इतना स्पेस मिल रहा है। मतलब नई वाली Hyundai वरना में स्पेस की कमी तो पूरी की पूरी दूर हो गई। यार ये एक डैशबोर्ड का व्यू है, एक बार मैं आपको इसकी डिग्री चेक कराता हूँ। तो यार ये इसका बूट साइज है, काफी बड़ा है, एक फुल साइज सेडान है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 550 लीटर्स का इसका बूट साइज है, और इस वाले पूरी की पूरी कैटेगरी में, इस वाले सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट अभी वरना में ही आ रहा है। स्लाविया, होंडा सिटी और वर्टस कंपेयर करें तो सबसे बड़ा इसका ही बूट है। तो गाइस अब हम इसके एक ड्राइविंग रिव्यू में आ चुके हैं। ये इसकी एम्बिएंट लाइट है, आपको शायद से ये दिख रही हो अभी, यार अंधेरा नहीं हुआ है तो इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही होगी। और इसमें कितने कलर्स है इसके एम्बिएंट लाइट में? इसमें 64 कलर्स हैं, यहाँ पे ऑप्शंस मैं दिखा दूंगा आपको। और अभी वायलेट कलर सेट किया हुआ है, और काफी अच्छी फील देती है, पूरा लाउंज फील आती है शाम के टाइम अगर आप। और इसमें इसके अलावा भी कहीं एम्बिएंट लाइट है या फिर ये मेन डैशबोर्ड में है? दरवाजे पे आप देख रहे हो। अच्छा, ओके ओके ओके, ये आपको दिख रही होगी इधर की तरफ, ये टाइगर डिजाइन टाइप है। ये पूरा ऐसे करके दोनों गेट्स पे आती है, ये पूरा एम्बिएंट बहुत अच्छा लाइटिंग सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, इधर भी उधर भी। हाँ हाँ, और इसमें कोई ड्राइव मोड्स भी आते हैं साथ में? इसमें ये देखो, ये ड्राइव मोड्स है। हाँ, फिर देखो पहले ये अभी ये स्पोर्ट्स मोड हो जाएगा। ओके, ये इको मोड है, ये नॉर्मल मोड है। अच्छा, तीन ड्राइव मोड्स रखे हैं इसमें, इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी एडजस्ट करने के लिए, और आपको जब स्पोर्ट्स का फील चाहिए, भगाने चाहिए, तब भगा भी सकते हैं। हाँ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ इसमें दो स्क्रीन आती है, 10.25 इंच की, 10.25 इंच की, और टिल्टेड डिस्प्ले भी, और ये टिल्टेड डिस्प्ले, ये थोड़ा सा अगर आप इस तरफ से देखेंगे ना, ये ड्राइवर की तरफ थोड़ा सा ओरिएंटेड है ताकि उसको आसानी हो एडजस्ट करने में। और यार मैं ये बोल सकते हैं Hyundai का ये 10.25 इंच पूरे सेगमेंट में बेस्ट हेड यूनिट है। इसका रिस्पांस कैसा है?
इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत मेरे को अभी आज सच फील नहीं हुई है। और प्लस इसमें ब्लू लिंक डला हुआ है तो इसमें ऑटोमेटिक मैप्स वैप्स उठाता है, पूरा टेम्परेचर बताता है। और इसमें लाइक वॉइस कमांड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, सनरूफ खोलना है या बंद करना है, कुछ भी करना है। अभी मैं अगर इसमें इसको हटाता हूँ और मैं इसको ब्लू लिंक से बोलता हूँ कि ऐसे कि ओपन सनरूफ, तो ये काफी अच्छा रिस्पॉन्सिव है इसका। तो वॉइस कमांड्स अच्छे हैं इसी में, इस तरह से मैं लोकेशंस भी डालूंगा, ये सब अपने आप कर देगा। तो गाइस मैं आपको इसका म्यूजिक टेस्ट करा देता हूँ। इसमें 8 स्पीकर सिस्टम आता है, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, एक यहाँ पे सब ऊपर है, पीछे मेन डिक्की में सब ऊपर है। तो आप एक बार एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक सुनिए। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the crowd of profanities. I see. इसमें वायरलेस चार्जिंग भी आ गया, यहाँ पे देखिए हमने लाइट और लाइट यहाँ पे चालू हो गई, इसका मतलब आपकी वायरलेस चार्जिंग स्टार्ट हो गई। ये हो गया, फोन रखा, चार्जिंग स्टार्ट हो, यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गई। और यार इसमें ना सबसे अच्छी बात की अगर यहाँ पे एसी और मीडिया के कंट्रोल्स एक साथ दे दिए, यहाँ पे इन्होंने फिजिकल बटन दे दिया है इसको स्विच करने के लिए। अभी हमारे म्यूजिक के कंट्रोल्स आ गए और यहीं से हमारे एसी के कंट्रोल्स आ गए, काफी इनोवेटिव। और प्लस इसमें जो इन्होंने हीटेड सीट्स दी है ना, ये नहीं है बाकी इसमें, हीटेड सीट्स हैं इसमें से, कूलिंग भी और हीटेड दोनों सीट्स। यार वेंटिलेटेड सीट्स का काफी फायदा है, एज ऑफ नाउ जैसे मैं फील कर पा रहा हूं नीचे से हवा आ रही है और वो बहुत इजीली हमारी बैक पर यहां पे, हां काफी कंफर्ट, काफी कंफर्टेबल फील कर रहा हूं गाड़ी में। बहुत जरूरी है यार, अगर आपका ऑल ब्लैक इंटीरियर हो उसमें वेंटिलेटेड सीट्स तो मेरे ख्याल से होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काफी मैं भी ये चीज मेरे को भी बहुत बढ़िया लगी इसकी वेंटिलेटेड का। तो गाइस हम अब आ गए अपनी ड्राइविंग सीट पे। यार एक मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा इसका फर्स्ट ड्राइव की मेरे को कैसी लगी, वरना 1.5 चल रहे हैं। अभी हम नॉर्मल मोड में इसको यहाँ से शिफ्ट करके स्पोर्ट्स मोड पे कर लेते हैं, देख सकते हैं आप स्पोर्ट्स मोड पे आ गया। यार जैसे मैं इसमें फील कर पा रहा हूँ ना, इसका एनवीएच बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत एक्सट्रीम अच्छे एनवीएच है और चलने में काफ़ी स्मूथ है यार। पेट्रोल इंजन है और एक प्रॉपर डीजल वाला फील ही देखिए। मैं पहले काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहा था पर्सनली कि ह्यूंडई ने अपना लेजेंडरी इंजन क्यों बंद कर दिया, ह्यूंडई वॉज नोन फॉर देयर डीजल इंजन, बट यार इसको चला के इतना अच्छा पुशबैक देती है गाड़ी, मज़ा आ जाता है। और यार ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल से, ऑल फोर डिस्क आते हैं नहीं, इसमें फ्रंट टू डिस्क है, पीछे फ्रंट टू डिस्क है, उसके बाद भी स्टॉपिंग पावर काफ़ी अच्छी है। हाँ यार गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पांस भी अच्छा लग रहा है अभी तक, सस्पेंशन में थोड़ा सा फील कर पा रहा हूँ कि कंपैरेटिवली स्टेप बहुत हल्का है। और यार गाड़ी का फील बहुत अच्छा है, देखो तो बहुत ही अच्छा है गाड़ी का, एकदम खिंचती है डीजल इंजन की तरह, प्रॉपर खिंचती है गाड़ी। और मुझे जो स्टीयरिंग है यार पर्सनली वो थोड़ा सा वर्टस का ज्यादा अच्छा लगा, ऐसी भव्य भैया ने भी बताया था कि उनको भी बॉक्स वगैरह और फोल्डर का स्टीयरिंग थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा। बाकी यार ठीक है, इंटीरियर के हिसाब से ये वाला थीम भी बहुत अच्छा मैच कर रहा है गाड़ी के साथ में। तो यार यही था हमारा एक छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस और फर्स्ट राइड रिव्यू वरना 2023 का। आप मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मेरठ है भाई ये मेरठ है, मेरठ है भाई ये लड़के सारे गोल्ड चुप्स कैरेट है भाई ये मेरठ है, मेरठ है भाई ये लड़के सारे गोल्ड चुप्स कैरेट है भाई ये मेरठ है, मेरठ है भाई ये लड़के सारे गोल्ड चुप्स कैरेट है भाई ये।